잔잔하기만 하던 온나의 마음에 Quite suddenly 퐁당 또 퐁당 아니 풍덩 큰 돌을 던진 너 기다리고 기다리던 그 사람이 온 내 앞에 내 마음 어느새 일렁이는 병에라도 걸렸나봐요 아야 아파 아른아른 Hey guys, welcome to today's video. आज हम एक बहुत ही popular market को explore करने जा रहे हैं जिसका नाम है Konyang market जो कि Seoul में है और Korea को बहुत popular है. मैंने सोचा कि अभी तक ये video भी नहीं बनाई है मैंने इसके बारे में. यहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलता है. मुझे लगा कि एक बार इसकी video जरूर बनानी चाहिए और आपको दिखाना चाहिए. जब भी आप कोरिया में लोकल कोरियन मार्केट जाओ तो हमेशा कैश निकालने का ध्यान रखिए. तो उससे तो क्योंकि कार्ड वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते, या तो आपको बैंक ट्रांसफ़र करना होगा तो उसके लिए कोरियन अकाउंट होना चाहिए. बट एज अ टूरिस्ट अगर आप आ रहे हो तो आपको कैश रखने चाहिए. मेरा बैंक का प्रोसेस बहुत लंबा होता है तो इसलिए मैं अभी कैश निकालूंगी. अपने ATM जाते हैं और पैसे निकालते हैं. मार्केट में खर्च करने के लिए मैं निकालूंगी 20,000 कोरियन वॉन और फिर देखते हैं क्या क्या आ पाता है इसमें. Konyang मार्केट में और बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. मुझे लगा था वेंसडे को यहाँ भीड़ नहीं होगी बट फिर भी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे आप ट्रेडिशनल सामान खरीद सकते हैं, क्राफ्ट सामान खरीद सकते हैं. ऑब्वियसली खाना मेन है. ये जो बीच में आंटी हैं, यहाँ से मैं किमची लेके गई थी, स्प्रिंग ओनियन, और मैंने यहाँ की ट्राई करी और भी यहाँ पे ट्राई करी है दूसरी आंटी की, तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी. रामेन वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है. और पहले मैं इनकी किमची दिखाती हूँ. इन पर बहुत सारी टाइप की किमचीज हैं. मुझे ये वाली चाहिए बस थोड़ी सी. थैंक यू. स्प्रिंग ओनियन किमची बहुत ज़्यादा पसंद है. आंटी ने बहुत सारी दी और साथ में मेरे को दूसरी किमची भी उसी में डाल दी और फिर कह रही माशी के मोगो मतलब अच्छे से खाओ. और ये रहे मेरे 5,000. तो अब मेरे पास 15,000 कोरियन वॉन बचे हैं. इस टाइम मुझे आज अपना लंच डिनर सब करना है. पहली शॉपिंग हो गई है. अब मुझे भूख लग रही है और 4 बजने वाले हैं और अब मुझे खाना है कुछ. सबसे पहले बिबिंबाप, क्योंकि मुझे यहाँ का बिबिंबाप बहुत पसंद है, एकदम फ्रेश होता है. जो मेरे पीछे स्टॉल है, यहाँ पे एक नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम आया था कोरियन फूड के ऊपर और ये आंटी बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, तो मैं कभी नहीं खाती यहाँ पे. पता नहीं, यहाँ पे स्टॉल सारी बंद है बिबिंबाप की. और जो लास्ट स्टॉल में मैं खाया था वो बिबिंबाप काफ़ी अच्छा था, पर वो स्टॉल बंद है आज. और जो भी मिल रहा है यहाँ पे सब बॉम खाना मिल रहा है सर्दियों से, ऑटम से, मतलब ब्रेड वगैरह. सी फूड की बहुत वैरायटी है, पोक है, मीट बहुत है यहाँ पे. फाइनली बिबिंबाप की एक स्टॉल मिली और दूसरी स्टॉल ही मिली. Thank you.
गाइस, तो फाइनली हमें अपना बीबिंबाप मिल गया है और इसका प्राइस देना पड़ा मुझे 7000। इसमें गेहूं वेहूं सब है, सारी हरी भरी चीजें सब है। अभी आंटी ने मुझे ये सूप भी दिया ये रहा, और किमची भी दी इतनी सारी। काफ़ी दिनों से मैं बहुत ही फ्राइड फूड स्पाइसी फूड खा रही थी घर पे बना के, इंडियन फूड अपना फ्रेश और ग्रीन खाने का मेरा मन हुआ, इसलिए मैं इस मार्केट में आई आज। अमेरिकन दे गांधी दे। पेट पूजा हो चुकी है और भीम बाबू काफ़ी फ्रेश था। बगल में एक अंकल थे मेरे बूढ़े से कोरियन, और उन्होंने पूछा वाह वीडियो शूट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया यूट्यूब के लिए, तो कह रहे वो यूट्यूब के लिए तो इनको फेमस कर देगा, जो ओनर थी जिन्होंने भीम बाब दिया मेरे को। और फिर उन्होंने भी बड़े अच्छे से बोला कि यूट्यूब वीडियो डालो तो अच्छे से डालना, मेरे को भी दिखाना। तो मैं अब इसके बाद खाऊंगी एक और फेमस चीज़ इस मार्केट में जो यही मिलती है, और भी जगह मिलती होगी पर यहाँ की बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है मूंगबिन पैनकेक, मूंग की दाल का पैनकेक। मेरे पेट में अब बची है बस एक खाने पीने की जगह और, वैसे मुझे यहाँ की तुक्कुक की भी खानी थी बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्याज मिली मुझे और बिन पैनकेक, और इसका प्राइस मुझे देना पड़ा 5000 कोरियन वॉन। मुझे मेन जगह नहीं मिली, मुझे यहाँ मार्केट के बीच में बिठा दिया गया। काफ़ी ब्लैंड लगता है, इसलिए मैंने अपने लिए स्प्रिंग ओनियन किमची ली थी। अभी ये बहुत हैवी है तो वहाँ पूरा तो मेरे पे ख़त्म करा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने पैक करवाया, क्योंकि मैंने स्प्रिंग ओनियन ली थी स्टार्टिंग में, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस मार्केट में मैं जब भी आती थी एक स्नैक की दुकान पर बहुत लंबी लाइन देखती थी, और मुझे लगता था यहाँ क्या है, होगा जो भी होगा, बट बाद में पता चला है वहाँ डोनट की दुकान थी जो बहुत पॉपुलर है, ट्विस्टेड डोनट बहुत पॉपुलर है वहाँ के। तो लास्ट टाइम ट्राई किया काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि लाइन फालतू में लग रही है इतनी छोटी चीज़ के लिए, पर जब खाया तो वो वाकई में टेस्टी था। और चलिए अब चलते हैं और वहाँ से एक डोनट लेते हैं। जो मैं स्टोर की बात कर रही थी वो ये वाला है, और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है, और लाइन यहाँ से मार्केट से फ्री हो गए हैं, पर अपने लिए काफ़ी सारा सामान ले चुके हैं, और साथ में अपनी ये मेडिसिन ली इस आँख के लिए। तो मैं पीछे जितनी भी फार्मेसी थी मैं उनमें से एक में चली गई, और उन्होंने कहा कि एक दिन में 3 बार लेना, 2 पैकेट दे रहे थे इसके, मुझे नहीं पता ये क्या है, बस मैं ले आई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी लग रही थी स्वेटर में मेरे को, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से बाहर निकल के आते हैं, यहाँ बैठते हैं छोंगे छोंग में, अच्छी सी शांति मिलेगी, और साथ में ये ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इन्हें रखे हुए। इसका नाम है ट्विस्टेड डोनट, और आप देख सकते हैं वहाँ पर कितनी लंबी लाइन थी इनके लिए। इसका प्राइस मुझे देना पड़ा 1000 कोरियन वॉन ईच, और उन पर 4 टाइप के डोनट्स हैं, तो इसको लेके वो चीनी और सिनेमन पाउडर में इसको डिप करके आपको देते हैं, तो आइए टेस्ट करते हैं। चुई है, स्वीट है, नमकीन है, सिनेमन फ्लेवर है इसमें, और बहुत ही अच्छा लगता है। आप सोचोगे लाइन क्यों है, बट लाइन बाद में पता चलता है ये लाइन क्यों है, सिंपल सी चीज़ है बट अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब जब भी मैं इस मार्केट में आती हूँ हमेशा इसके लिए, चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, मैं लाइन में लगकर इसे लेकर ही जाती हूँ।
इसको मैं घर ले जाऊंगी। लंच हो गया और ये इवनिंग स्नैक भी हो गया। अब डिनर मेरा ये रहा, यही मूंग बीन पैनकेक और उसके साथ स्प्रिंग ओनियन साथ में।